SSN, printing of charge, etc. अब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में उन चीजों को रखा जाता है जो गोडाउन से माल ले करके ऑफिस तक आ गए। अब ऑफिस से सेल एंड परचेज जब होने लगा, सेल एंड परचेज जब आप होने लगेगा तो कस्टमर आएगा, सेल होगा, परचेज होगा, उसमें बिल्डिंग चार्ज, ऑफिस एम्प्लॉय का चार्ज, सैलरी देना होगा, लीगल चार्ज है वो देना होगा, प्रिंटिंग का है एक्सपेंसेस वो देना होगा। यानी कि दुकान पे आने के बाद माल का सेल एंड परचेज स्टार्ट हो चुका, उसमें क्या चाहिए आपको, एम्प्लॉई होगा। सबसे पहले तो आपको एम्प्लॉई लेके आना पड़ेगा, टेलीफोन चार्ज रखना पड़ेगा, एम्प्लॉई काम करेगा, टेलीफोन होगा, टेलीफोन देना पड़ेगा, रेंट पे आपको बिल्डिंग लेना पड़ेगा या दुकान लेना पड़ेगा आपको, वो होगा, प्रिंटिंग करवाना पड़ेगा, पेंट करवाना पड़ेगा, ये सारा आपका चार्ज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हो गया, क्योंकि काम आपका स्टार्ट हो चुका है। जब आपका काम स्टार्ट हो चुका, सेल एंड परचेज स्टार्ट हो चुका, अब उसके बाद जो खर्च होंगे वो सारे आपके जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि दुकान पे आने के बाद जो माल का सेल परचेज होने के बाद इसमें सैलरी देना पड़ेगा आपको, बिल्डिंग रेंट का बिल्डिंग है वो देना पड़ेगा, एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ेगा, लीगल चार्ज देना पड़ेगा आपको, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग देना पड़ेगा, घाटे, कोई आया माल लेके चला गया, कुछ पैसा दिया और कुछ नहीं दिया, बाद में देने के लिए कहा और वो दे नहीं रहा है तो डिप्रिसिएशन में डाल देंगे उसको। 5,000 का माल लेके गया, 2,000 दिया, 3,000 बोला बाद में देंगे, तो जो 3,000 रुपया है उसको अगर वो पैसे देने को हाँ ना कई दिनों कर देता है, बहुत दिन लगा देता है, नहीं दे पाता वो, तो उसको डिप्रिसिएशन में डाल देंगे। प्रिंटिंग ऑफ चार्जेस का भी दाम यहीं से निकालना है, यानी कि जहाँ आपका माल सेल एंड परचेज हो रहा है, तो यहाँ आने के बाद, माल बनने के बाद, दुकान पे आने के बाद जितना भी खर्च होगा वो सारा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे। अब आपको क्या करते हैं, एक बनाते हैं साइड डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।